हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका पाठक और हम इस सीरीज़ के द्वारा यूनिट 10 को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम चार आयोगों को कर चुके हैं, जैसे कि भारत एवं निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश या राज्य लोक सेवा आयोग को कर चुके हैं, जिसमें हम अब फिफ्थ जो हमारा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पूरे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। और पिछली वीडियो में आपसे सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। और सोनल तिवारी, साधना और आयजा, इन तीनों बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कैग के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कैग के पद का सृजन किया गया है? तो दोस्तों, यह एक सांविधानिक निकाय है, इसका उल्लेख भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में है। तो इसका जो सृजन है वह संविधान द्वारा किया गया है। भारत के कैग के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह कार्यकाल 6 वर्ष या 65 जो भी पहले हो होता है। ये बिल्कुल भारत निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के समान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कैग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, सही नहीं है पूछा गया है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सही। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के आयोग होते हैं, सही है। अब दोस्तों, डी ऑप्शन में लिखा है कि उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत किया जाता है और यहाँ पूछा है सही नहीं है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ लिखा होना था कि राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाए जाते, तब हमारा आंसर होता है डी, सही। क्योंकि कैग को राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है और वह रीति होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, जहाँ दोनों सदनों में विशेष बहुमत, मतलब कि 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप नहीं सुधार लें। आगे देखते हैं, भारत के कैग को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, ये हम देख चुके हैं कि ये इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्तव्यों में से कौन से भारत के कैग द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो भारत की संचित निधि का लेखा जोखा यह किया जाता है, आकस्मिकता निधि और लोक सेवाओं के सभी व्यय की परीक्षा भी कैग द्वारा की जाती है, सभी व्यापार निर्माण हानि लाभ का लेखा परीक्षा भी कैग द्वारा किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि कौन सा कार्य कैग द्वारा नहीं किया जाता, तो यह है डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति, निर्गम का नियंत्रण, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व में वह कोष जमा हुआ है कि नहीं, ये कैग का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कैग की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका आंसर है सी, संसद। दोस्तों, कैग की जो सेवा शर्तें हैं उसका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, तो ये टिप्पणी और अंतिम जिम्मेदारी भी संसद की है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित होता है? तो जो हमारे देश का कैग है वो संसद की कार्यवाही में उपस्थित तो रहते हैं, परंतु उन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। तो इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं, भारत का कैग निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो ये जो है लोक लेखा समिति का निर्देशक एवं मार्गदर्शक होता है। ठीक, कैग लोक लेखा समिति लेखा जोखा जो भी हमारे धन का आगमन निर्गम और खर्च होता है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1971 का संशोधन कैग के कर्तव्य शक्ति और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन लोक लेखा परीक्षण पृथक है और कैग के लेखों की तैयारी उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है, यह संशोधन कब किया गया था? तो जो ये संशोधन विधेयक है 1922 का, ये बी 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ये लोक सेवा समिति का देखिए जिम्मेदारी होती है और मित्र होता है, तो इसका अभिभावक जो है उसको कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। आगे देखते हैं, भारत के कैग कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है बी, ये लोक वित्त के संरक्षक के रूप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद से हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निधि के फलोत्पादक आयशित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? तो दोस्तों देखिए, कैग संसद की और से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित करता है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं कि मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं का कार्यों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा विचार विमर्श करता है, ये बिल्कुल सही है। आगे है, प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है और लोक विधि प्रबंधन कानून उल्लंघन किया हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे है कि कैग को ऐसी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लोक लेखा परीक्षक जांच के समय कानून उल्लंघन करने पर अभियोग लगा सके, जो कि गलत है। तो हमारा आंसर जो हमारा ऑप्शन दो, सेकंड और थर्ड है, वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा कि भारत में कैग के पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, भारत के संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो वह भारत का एक अधिकारी नहीं है पर राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी है, बिल्कुल सही। वह एक स्वतंत्र सांवैधानिक प्राधिकारी है जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेही नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो हम सांवैधानिक प्राधिकारी है, तो हमारा ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखा परीक्षा करवाएगा? तो हम जानते ही हैं कि ये कौन होगा, भारत का नियंत्रक एवं परीक्षा, और इसका मित्र कौन होती है, लोक लेखा समिति, तो इसका आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, जो अगला प्रश्न है, संघ की लेखाओं से संबंधित भारत के कैग की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ए, यह राष्ट्रपति के समक्ष अपने प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा वो है सी, क्योंकि कैग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह भारत सरकार के अधीन अपने पद पर आगे बने रहने हेतु पात्र बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं, कैग, भारत के कैग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है सी, इसका नियंत्रण केवल केंद्र स्तर पर होता है, यह आंसर सही नहीं है। देखिए, सरकार की सभी खर्चों की निगरानी नियंत्रण करता है, लोक वित्त का संरक्षण में प्रहरी होता है, सरकार की वित्तीय मितव्ययिता के उपाय को सुझाता है, इसका नियंत्रण केवल केंद्र स्तर तक नहीं होता है। आगे देखते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्न में से एक है? तो इसका उल्लेख अगर संविधान में है, इसका निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं कि कैग का कार्यकाल संविधान के अनुसार कितना है? तो इसका आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये कैग अपनी रिपोर्ट की जांच करती है, ठीक है, यह रिपोर्ट सरलीकृत करने का कार्य भी करती है, सही है। यह अपनी रिपोर्ट संसद व राष्ट्रपति को भेजते, तो यह गलत है, यह अपनी रिपोर्ट केवल राष्ट्रपति को भेजते हैं, रिपोर्ट के संबंध में केक सहायता की भूमिका निभाता है, सही है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में अनिच्छेदों में असत्य का चिन्ह लगाइए। दोस्तों यह हमारे भाग 5 में उल्लेखित है, जिसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक है, 4 अनुच्छेद हैं, ये बिल्कुल ध्यान से याद करना है। 148 में कैग की नियुक्ति के बारे में, या कैग एक पद होगा, ये इसका उल्लेख है। 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है, तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और 150 में संघ एवं राज्य के लेखों के प्रकार के बारे में बताया, सही है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है आर्टिकल 152, जो कि पहले ही गलत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ कैग के बारे में 151 तक ही उल्लेखित है, तो अंकेक्षण और प्रतिवेदन जो है 151 के अंतर्गत दिए गए, तो इसका आंसर होगा डी, जो कि असत्य चिन्हित है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के कैग के संबंध में लिख कौन सा कथन सही है? तो यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है।
सही है किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है सही, वह राज्य सरकारों के लेखाओं का अंकन और निरीक्षण करता है सही, यह संचित निधि से धन निकासी का उसका नियंत्रण होता है यह गलत है, तो इसका आंसर होगा सी, ए बी सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, भारत के महालेखा परीक्षक सर्वप्रथम किस वायसराय ने सृजित किया था, तो इसका आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कैग के संरचना के बारे में विचार करें, इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यह एकल सदस्यीय है, यह बहुसदस्यीय है, भारत महालेखा परीक्षक विभाग का संवैधानिक प्रमुख होता है, यह राज्यों के कैग के अभिकर्ता के रूप में कई अन्य अकाउंट जनरल नियुक्त करता है, तो इसका आंसर होगा 29 का बी, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, यह सही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, कैग के कार्यालय के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, कार्यकाल के बारे में, देखिए यह 5 वर्ष के लिए कार्य ग्रहण करता है, यह गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है और ये पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए। आगे देखते हैं, भारत के कैग के कर्तव्य के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, देखिए तो इसका आंसर अभी हमने देखा, तो ये चारों आर्टिकल बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, इसका आंसर होगा बी, 149 के अंतर्गत कर्तव्यों का वर्णन है, 148 में कैग के पद का सृजन के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक इनमें से कौन थे, तो इसका आंसर है सी, बी नरहरि राव, ये भारत के पहले, इनका कार्यकाल जो है 148 से 154 के बीच में, 1954 के बीच में था, और नरहरि राव के बाद ए के चंदा बने थे और इसके बाद ए के राय और फिर रंगनाथन ने पदभार संभाला था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के कैग नहीं रहे, दोस्तों मैंने पिछली भी वीडियो में कहा है आपसे कई बार कि इनके नाम एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन NPPSC में बहुत बार आ चुके हैं कि निम्न में से कौन नहीं रहे या निम्न में से कौन थे, तो जो 33 है इसका आंसर है सी, DP अग्रवाल, यह कभी भी भारत के कैग नहीं रहे हैं, और वर्तमान में भारत के कैग कौन है, तो इसका आंसर है गिरीश चंद मुर्मू, इन्होंने 2020 में अपने पद का कार्यभार संभाला था और इनके पहले राजीव महर्षि थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के कैग राष्ट्रपति को कितने लेखा परीक्षक पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, दोस्तों इसका आंसर है बी, 3 लेखा परीक्षक पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, कौन सा नहीं करता है, मतलब किस तीन, ये तीन जो हैं इनमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो इस देखिए यह सरकारी उपक्रमों पर प्रस्तुत करता है, लेखा वित्तों पर प्रस्तुत करता है और विनियोग लेखाओं पर प्रस्तुत, ये जो आकस्मिक लेखाओं पर है यह कैग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कैग के कार्यों के संबंध में विचार करें, वह संघ के लेखाओं के संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्र को देखता है, देखिए वह केंद्र के अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह राज्य के लेखाओं को प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, ये बिल्कुल सही है। और सी ऑप्शन है कि वह किसी राज्य के लेखाओं को भी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्यपाल को प्रेषित करता है, ये गलत है ऑप्शन, तो हम इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा ए और बी, मतलब कि हमारा आंसर है सी। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कैग के कार्यों में से केंद्र सरकार ने लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने का अधिनियम संशोधित किया था, तो 38 का आंसर है डी, 1976 में यह संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कैग के कार्यों में से कौन सा एक कार्य शामिल नहीं है, तो इसका आंसर है सी, सरकार के कहने पर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे रिलायंस इंफोसिस आदि का लेखा परीक्षा, ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनका लेखा जोखा नहीं देखता है, आगे है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार पद की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये MPPSC पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1985 में, 1985 में MP महालेखा पद की लेखाकार पद का सृजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका आंसर है बी। दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं कार्यालय जैसे हमें बहुत याद रखने हैं, जैसे MPPSC का मुख्यालय इंदौर में है
और जो महालेखाकार है इसका प्रधान कार्यालय ग्वालियर में है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के महालेखाकार का उप कार्यालय इनमें से किस स्थान पर है। तो इसका आंसर है भोपाल, ए भोपाल। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के अधीन कार्य करता है, तो महालेखाकार किसके अधीन कार्य करता है, यह भारत के महालेखाकार नियंत्रण जो परीक्षक है कैग है उसके अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महालेखाकार के कार्य हैं, तो इसका देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहले, मध्य प्रदेश शासन के वित्त तथा विनियोग संबंधी सभी लेखाओं को तैयार करना, उनका संकलन करना, उन्हें भारत के कैग को प्रेषित करना, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश शासन के अधीन कर्मचारियों के GPF और CPF लेखों का रखरखाव करना और इनका संकलन करना, यह भी कार्य है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के सभी ट्रेजरी और सब ट्रेजरी का निरीक्षण करना, लेखा परीक्षक करना, यह भी मध्य प्रदेश महालेखाकार का कार्य है। और मध्य प्रदेश के लेखों के संबंध में वित्तीय प्रतिवेदन राज्यपाल को देना, यह नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश का महालेखाकार यह भारत के कैग को देता है जो कि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सी। दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रश्न हैं वह कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे नीति आयोग, और इसका जो पहला प्रश्न है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था। दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।